नमस्ते। आज शीतली शीतकारी प्राणायाम के बारे में हम बात कर लेते हैं। इससे पहले हमने सूर्यभेदी और चंद्रभेदी प्राणायाम के बारे में बात कर ली है। तो सूर्यभेदी और चंद्रभेदी के अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्रीवियस वीडियोस को देख लें, और उससे पहले आप प्राणायाम क्या होता है उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अभी शीतली प्राणायाम के बारे में मैं बताने वाला हूँ कि शीतली करते कैसे हैं। तो शीतली करने का जो तरीका है वो कुछ इस तरह से है कि आपको आपकी जो जीभ है इसको बाहर निकाल के इसको रोल करना है। रोल कैसे करना है? इसको इस तरह से रोल करना है। देखो, तो जब आप थोड़ी सी जीभ बाहर निकालोगे उसके बाद उसको इस तरह से रोल कर देना है, और फिर मुंह से अंदर की तरफ सांस खींचनी है ऐसे। सांस पूरी अंदर आ जाए उसके बाद आपको नाक से इसको छोड़ना है धीरे धीरे। तो अभी इसको तरीका हमने सीख लिया कैसे करना है कि अपनी जीभ को बाहर निकालना है, रोल करना है। रोल करके कुछ इस तरह से आएगी वो। तो इस तरह से आ जाने के बाद उसके बाद हमको मुंह से सांस अंदर लेनी है, और नाक से बाहर छोड़नी है। हमेशा प्राणायाम में याद रखेंगे कि हमको 1:2 में इनहेल और एक्सहेल करना है। मतलब इनहेल करेंगे हम 1 और एक्सहेल करेंगे हम 2, ठीक है। अब इसका जो बेनिफिट है वो क्या है? वो बिल्कुल चंद्रभेदी प्राणायाम जैसे हैं। कैसे? कि जब हम मुंह से सांस ले रहे हैं, वैसे आपको हमेशा मुंह से सांस नहीं लेनी है कभी भी, हमको हमेशा नॉस्ट्रिल से सांस लेनी है। ये कुछ लिमिटेड प्राणायाम्स हैं जिसमें आप मुंह से सांस लेते हैं। तो इसमें आप जब मुंह से सांस ले रहे हैं तो फिर नाक से आप छोड़ेंगे, सांस को रोकना नहीं है, होल्ड नहीं करना है। सबसे पहले प्राणायाम में आपको पूरक और रेचक को आपको सबसे पहले तैयार करना है अपना, उस पर उसको अच्छे से पहले तैयार करना है। जब आपका पूरक और रेचक मतलब इनहेल और एक्सहेल कंप्लीट हो जाएगा, मतलब इसमें टाइम लगता है कम से कम 6 से 8 महीने, कुछ कुछ 1 साल, तो आप 1 साल तक पहले बिना सांस रोके बिना कुंभक लगाए आप प्राणायाम को करेंगे। और फिर जब आप इस पर इनहेल और एक्सहेल पे आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आप क्या करेंगे, आप सांस को रोक सकते हैं। लेकिन जिनको बीपी की प्रॉब्लम है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, वो अंदर सांस कभी नहीं रोकेंगे, सांस को बहुत ज़्यादा गहरी नहीं लेंगे। लेकिन जो लोग नॉर्मल हैं तो उनके लिए सबसे अच्छा है ये वाला प्राणायाम कि आप मुंह से सांस लेंगे नाक से छोड़ेंगे, और जब आप सांस लेंगे तो आपको गले पे ठंडक सा लगेगा। तो इसमें आप जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको पानी नहीं मिल रहा और आपको प्यास लग रही है तब आप इसको करें। तब इसको करने से क्या होगा कि आपको थ्रस्टिंग की सेंसेशन ख़त्म हो जाएगी। थ्रस्टिंग की सेंसेशन ख़त्म होने से आपको प्यास नहीं लगेगी। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या होती है कि हमारे मुंह के अंदर सलाइवा होता है, तो ये जो सलाइवेकल ग्लैंड्स होते हैं हमारे मुंह के अंदर, उनको अच्छा करता है, उनको एक्टिवेट करता है, उनको नॉरिश करता है, तो और ज़्यादा अच्छा होता है फिर ये। उसके बाद ये कूलिंग का सेंसेशन देता है, तो कूलिंग मतलब हमारे गले पे भी कूलिंग आ रही है, हमारे पेट पे भी कूलिंग आ रही है। तो जब हमारे पेट में कूलिंग आ रही है तो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक पे अगर हीटिंग का इफेक्ट ज़्यादा है, अगर आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो रही है, आपको हार्ट बर्न हो रहा है, आपको एसिडिटी हो रही है, तो आप इसको कर सकते हैं। तो आपको इसमें कूलिंग इफेक्ट आ जाएगा, कूलिंग इफेक्ट आने से आपको रिलीफ मिलेगा। तब ऐसा नहीं कि आपने 4 बार किया और छोड़ दिया, ऐसे नहीं, आपको कम से कम इसको 30 से 40 बार करना है। अच्छा, लिमिटेशंस क्या हैं? तो इसमें कूलिंग इफेक्ट आ रहा है, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, मैंने चंद्रवेदी में आपको बताया था, सूर्यवेदी में बताया था कि अगर जब भी आपको कूलिंग इफेक्ट आ रहा हो अंदर, जैसे आपका लो ब्लड प्रेशर जा रहा है, तो आपको ये नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि वो लो ब्लड प्रेशर और कूल हुआ तो और ज़्यादा कूल हो जाएगा, तो ब्लड प्रेशर और डाउन हो जाएगा। जो उसकी रेंज होती है वो 80 से 120 होती है, अगर ये 80 से नीचे है तब आपको ये नहीं करना है। और जो नॉर्मल होती है वो 80 से 120 होती है, और 120 से ऊपर वालों के लिए तो ये बहुत बेस्ट है।
तो ये था शीतली प्राणायाम।